सब्जी ना भजिया भिंडी का एक अलग ही रेसिपी, बहुत ही यूनिक और टेस्टी लाजवाब रेसिपी। आप भी देखेंगे तो देखते बनाने को दौड़ेंगे। बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार क्रिस्पी हमारा भिंडी का पकौड़ा बना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार बता दूँ, याद दिला दूँ, हमारी रेसिपी अच्छी लगे, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना रेसिपी। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, मैं हूं चमनी, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज बना रही हूँ इस भिंडी के पकौड़े। भिंडी के पकौड़े बनाने के लिए हमने इस तरह के भिंडी लिए हैं, इस तरह के, बिल्कुल अच्छा है, ताज़ा है। इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे, या फिर इस तरह से चार भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से इसी तरह से सभी को हम काट कर रेडी कर लेंगे। भिंडी को हमने इस तरह से काट लिया है तो इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखा नहीं होता, कलर देता है अच्छा, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, यहीं पर ऐड करेंगे धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। रेगुलर मसाले तो हमने यूज कर लिए हैं, अब आज ऐड करेंगे स्पेशल मसाले। ये गया हमारा काला नमक, सेंधा नमक, एक चुटकी अजवाइन, जिसे हम इस तरह से हथेलियों से क्रश करके डालेंगे। एक चुटकी यहीं पर हींग ऐड करेंगे, हमने अजवाइन डाला है तो भी डाइजेशन के लिए ये भी अच्छा है, फ्लेवर भी अच्छी देती है। गरम मसाला डालेंगे आधा छोटी चम्मच, खुशबू और फ्लेवर दोनों देते हैं अच्छे। चटपटा फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पर आधा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आमचूर पाउडर ना हो तो कोई बात नहीं है, आप 8-10 बूंद नींबू का रस डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून बैंडने के लिए हम बेसन ऐड करेंगे। लास्ट इंग्रेडिएंट है हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, हो सके तो आप हाथ से भी मिला लीजिए, अच्छे से नहीं मिल रहा हो तो। हमने इसमें एक बूंद भी पानी ऐड नहीं किया है, भिंडी को पहले से ही धोकर सुखा लिए थे। इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट हो गए हैं तो इसे खोलकर चेक करेंगे, अच्छे से मसाले हमारा सेट हो चुका है। अब हम फ्राई करने के प्रोसेस में चलेंगे। गैस हमने पहले से ही ऑन कर लिया था, कढ़ाई गर्म हो चुका है तो ऐड कर लेंगे तेल। तुरंत इसे बनाते हैं, मिक्स करते हैं मसाले और तुरंत ऐड कर देते हैं तो हमारा मसाला क्या होता है तेल में जाते फैल जाता है। 10 मिनट सेट होने के लिए रखा था तो देख सकते हैं बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं है, सारा का सारा सेट हो चुका है। हम सभी भिंडी को एक बार में ऐड कर लेंगे, इस तरह से फैला लेंगे। 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे लो फ्लेम पर। कवर करके फ्लेम को हमने 2 मिनट के लिए लो पे कर लिए थे। एक बार खोल कर इसे इस तरह से पलट लेंगे, फ्लेम को हाई टू मीडियम कर लेंगे। वापस से कवर करेंगे इसे। वापस से 2 मिनट हो चुका है तो इसे खोल लेंगे, एक बार फिर से पलट लेंगे। 4 मिनट हमने इसे कवर करके कुक कर लिए हैं, अब हम खोले में इसे कुक करेंगे। 4 मिनट हमने इसे कवर करके कुक किए थे और 3 मिनट खोलकर अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे एक छन्नी में। अच्छे से हमने इसे छान लिए हैं, तेल हमारा बिल्कुल निकल चुका है। अब देखिए कितना लाजवाब हमारा भिंडी का पकौड़ा बनकर रेडी हुआ है। अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, शेयर कमेंट करना ना भूलिए,
देखिए कितने अच्छे हमारी भिंडी कुक हुए हैं। यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।